एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन टुडेज वीडियो वी आर एट रैपोहोलिक्स। आज हम कोई कार रिव्यू नहीं करने वाले हैं। बेसिकली गाड़ी में क्या क्या कोटिंग्स होती है एंड रैपिंग होती है, आज उसके बारे में हम पूछने वाले हैं। सो मिलते हैं आज रैपोहोलिक्स के ओनर्स हैं जो कि फरीदाबाद में है। सो एक बार उनसे हम बात करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हमें फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आज हमारे साथ रैपोहोलिक्स के ओनर है। सो भैया एक बार अपना नाम बता दीजिए। और रैपोहोलिक्स का जो स्टोर है वो मेन बाईपास रोड सेक्टर 9 अपोजिट अदानी सीएनजी पंप, मतलब जो सीएनजी पंप है बिल्कुल उसके अपोजिट पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। ओके, सो आपके यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? हमारे यहाँ पर डिटेलिंग से जुड़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि एक्सटीरियर डिटेलिंग, वॉशिंग हो गया आपका, फोम वॉश हो गया, इंटीरियर डिटेलिंग हो गई, कंपाउंडिंग हो गई, इसको हम पॉलीमर सीलेंट कोटिंग भी कहते हैं, सेरेमिक कोटिंग हो गई हमारे पास, पीपीएफ हो गई, पेंट प्रोटेक्शन, कार रैपिंग हो गई, ये सारी सर्विसेज हमारे यहाँ पर मिलती है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ अब रैपिंग की, सो एक नॉर्मल गाड़ी के लिए मान लो कोई जैसे फॉरेन हैचबैक कितनी प्राइसिंग आ जाती है? 25,000। और एसयूवी के लिए मिड साइज एसयूवी कोई हो तो? कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे क्रेटा हुई, ब्रेजा हुई, उसके लिए 27,000। और अगर सेम चीज़ मैं पीपीएफ के लिए पूछूँ हैचबैक और उसके लिए? हैचबैक 38,000। ओके, पीपीएफ हमारा 40,000। एक बार आप अपने पीपीएफ की क्वालिटी चेक करा सकते हो? सर पीपीएफ की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। इसकी पीपीएफ है टीपी एंड टीपीएच, दिस इज टीपीएच। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली मटेरियल का डिफरेंस है, वारंटी का डिफरेंस है और ब्रांड का डिफरेंस है। ओके, और एक बार इसकी मतलब अगर मान लो मैं इसको अपनी कार पे लगाता हूँ बिल्कुल, सो ये कितना प्रोटेक्ट कर सकती है गाड़ी को? सर ये काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी डीप स्क्रैचेस तक जो भी आपके पेंट पर आने वाले हैं उनको, उनसे प्रोटेक्ट कर सकती है, काफ़ी डीप स्क्रैचेस को मिल जाएंगी। ये जैसे मैं ये कार देख सकता हूँ यहाँ पे, इस पे क्या हो रहा है जो टिगवान है, इस पे क्या हो रहा है? पॉलीमर सीलेंट कोटिंग हो रही है, जैसे कि 3 साल पुरानी गाड़ी है। ओके, कस्टमर ये चाहते हैं कि हाँ मेरी गाड़ी फिर से नहीं हो रही, इन्होंने पहले कोई और ट्रीटमेंट नहीं ले रखा था, मतलब ट्रीटमेंट मतलब पेंट प्रोटेक्शन कोई नहीं ले रखा था, जैसे सेरेमिक कोटिंग है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, इन्होंने कुछ नहीं करा रखा था, अब इनको शाइन चाहिए गाड़ी पे बिल्कुल वैसे ही जैसे जब ये नई लेके आए थे। ओके ओके, वैसे ही शाइन। सो एक बार आप मेरे को दिखा सकते हैं इस कार पे क्या काम हुआ है? जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे देखिए आप स्वेल्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, शाइन बिल्कुल एकदम डल है, डार्क कलर है इस पे, आप अभी हमने ये था पैनल करा हुआ है, आप इस पे शाइन देख लीजिए, ये देख लो एक बार, यू कैन चेक द शाइन हियर, जीरो स्वेल्स, सारे स्क्रैचेस गायब हो गए। यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हो इन दोनों पार्ट्स में। सो भैया इसकी कॉस्टिंग क्या आती है अगर मैं पर्टिकुलर इस कार के बारे में बात करूँ? इसके लिए हम बेसिकली हम इसमें इंटीरियर भी डिटेल कर रहे हैं, एक्सटीरियर भी डिटेल कर रहे हैं, इंजन भी डिटेल कर रहे हैं, एवरीथिंग। इसकी जो कॉस्टिंग है वो हमारी 7,000 रुपीज़ है फॉर अ, इसकी वारंटी रहती है। और ये जो 7,000 रुपीज़ है ये एक मिड साइज एसयूवी के लिए? बिल्कुल। ओके, और अगर ये सेम चीज़ मैं हैचबैक पे कराऊँ तो? हैचबैक पे कराएंगे वो 4,500। और जो सेडान हो गई वो अपनी? 5,500। ओके, और अगर मैं बात करूँ सिरेमिक कोटिंग के बारे में तो उसकी क्या प्राइसिंग है? सिरेमिक कोटिंग जो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है वो 11,000 से स्टार्ट हो जाती है, में 11,000 में आपको 1 ईयर का प्लान मिलता है फॉर एन हैचबैक। ये जो प्राइसिंग है हैचबैक के लिए है, सेडान के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए जो हमारे प्राइसिंग है वो 12,000 है, और एक बड़ी एसयूवी जैसे स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, एंडेवर हो गया उसके लिए हमारे 13,000 का फॉर बना। इसमें हमारे पास 1 साल से लेकर 5 साल तक के प्लान हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर प्राइसिंग देखें आप तो ये सारी प्राइसिंग है। ग्रेफिन कोटिंग की बात करें तो उसकी क्या प्राइसिंग है? ग्रेफिन कोटिंग हम 30,000 रुपीज़ में करते हैं, जिसकी 5 ईयर्स की वारंटी आती है। ग्रेफिन बेसिकली सेरेमिक से थोड़ा सा हार्ड होती है। ओके, उसकी लाइफ भी उस हिसाब से ज़्यादा होती है। अगर किसी को भी ये सब काम कराना तो वो कहाँ पर आ सकता है? एक बार अपना नंबर बता दो और एक बार एड्रेस बता दीजिए प्रॉपरली। मेरा मोबाइल नंबर है 9718-49-4441 और एड्रेस रहेगा मेन बाईपास रोड सेक्टर 9 अपोजिट अदानी सीएनजी पंप फरीदाबाद। ओके, सो किसी को भी अगर ये काम कराना है तो भैया को कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पर आपको अच्छी खासी जो है गाइडेंस मिलेगी और आप काम की क्वालिटी यहाँ चेक कर ही सकते हैं एंड प्रॉपर यहाँ मशीन से काम होता है, कुछ भी ऐसा टेम्परेरी कुछ काम नहीं होता है, अच्छे से आपको काम करके देंगे, अच्छे से गाइड करेंगे। और जो भैया का नंबर है एंड जो रैपोहोलिक्स का एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट देयर।